लो। अगर दोस्तों आपका बजट वगैरह कम है, कम से कम प्राइस में सोलर पावर बैंक वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। वीडियो फुल वॉच वगैरह कीजिए, क्योंकि मेरे पास है सोलर पावर बैंक विथ LED टॉर्च वगैरह, जो इसके लिए इमरजेंसी में काम वगैरह आ सकता है। तो इसी की अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा, एडजस्ट फीचर्स एंड प्राइस वगैरह बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा क्या इसको इस प्राइस में परचेजिंग वगैरह आपको करना चाहिए कि नहीं। अब कौन पकड़ के लेकर आया इसे? चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से बता दूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर दीजिए, ताकि ऐसे कुछ कमाल के इंटरेस्टिंग यूजफुल अनबॉक्सिंग वीडियो आते रहती हूँ उसे अपने फोन पर सबसे पहले देख पाए। चलिए फिर दोस्तों बॉक्स पैकिंग की बात करें तो रॉक लाइट की ब्रांडिंग की गई है यहाँ पे, आपको मॉडल नंबर की ब्रांडिंग की गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे आपको मेन फीचर्स वगैरह जो भी फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं सारे मेंशन वगैरह किए गए, तो बॉक्स पैकिंग तो देखने में काफ़ी सही से लग रही है, बॉक्स पे सारे फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया है। तो बॉक्स पैकिंग को फटाफट ओपन वगैरह करते हैं और देखते हैं सोलर लैंप वगैरह के, सोलर पावर बैंक के साथ और क्या क्या मिलता है। जहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है USB 2 माइक्रो USB केबल मिल जाती है, इसको भी साइड में रखते हैं और इसको हटाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रखा हुआ मिल जाता है, बबल रैप के साथ आता है, सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए आता है। तो यहाँ पे स्ट्रैप वगैरह मिल जाता है, जिसको इसके साथ अटैच वगैरह कर सकते हैं। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। चलिए फिर दोस्तों ये है हमारा सोलर पावर बैंक विथ LED लैम्प, जिसके सबसे पहले कलर एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कलर तो फुल्ली आप भी देख पा रहे हैं, फुल्ली रेड कलर में, जो देखने में काफ़ी सही से लग रही है। अगर जैसे आपको कलर पसंद नहीं है तो और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, लिंक दे दूँ वहाँ से चेक वगैरह कर पाएंगे। जहाँ पे आपको रॉक लाइट का स्टिकर दिया गया है, जो आपको सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट की मेंशन वगैरह किया गया है, जहाँ पर इधर भी रॉक लाइट की ब्रांडिंग वगैरह की गई है। बिल्ड क्वालिटी की बात करो दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल से बिल्ड क्वालिटी रखी गई, हल्की सी बिल्ड क्वालिटी है। अगर इसको सही से इस्तेमाल वगैरह नहीं करेंगे, स्ट्रैप लगाकर बिना स्ट्रैप के इस्तेमाल करेंगे तो गिर जाता, तो 100% चांसेस है टूट वगैरह सकता है। तो स्ट्रैप लगाइए, कैरी वगैरह कीजिए, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। जहाँ पर आपको इधर कंट्रोल बटन दिया गया, टॉर्च को कंट्रोल करने के लिए दिया गया, जिस कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 21 LED लाइट वगैरह दिया गया, तो 21 LED लाइट दिया गया तो काफ़ी ब्राइट रोशनी वगैरह होने वाला है। जहाँ पे आपको बैक साइड में सोलर पैनल दिया गया, सोलर पैनल काफ़ी हाईटेक लेवल का सोलर पैनल है, इंडोर में तो नहीं चार्ज होता, लेकिन आउटडोर में जैसे जाएंगे तो धूप हो या कुछ भी हो, धूप नहीं भी होगा तो जैसे ही आउटडोर वगैरह में जाएंगे तो अपने आप चार्ज वगैरह होने लग जाएगा। और केबल वगैरह ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट दिया गया, जिसको यहाँ से चार्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं लाल कलर का इंडिकेट कर रहा था, इंडिकेट वगैरह करेगा। यहाँ पे आपको USB A पोर्ट दिया गया, जिससे आउटपुट वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों इनबिल्ट है 2500 mAh की बैटरी दी गई है, जिसको इस यूज वगैरह कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी में आपको चार्ज वगैरह करना है तो उससे चार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो काफ़ी मल्टीपल डिवाइस है, जैसे आपको इससे चार्ज कर सकते हैं, पोर्ट दिया गया उससे चार्ज कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं वाला, चार्ज की कोई दिक्कत नहीं, इसे चार्ज कीजिए, लाइट भी जलाइए, और फ़ोन वगैरह चार्ज करना इमरजेंसी में तो वो भी चार्ज वगैरह कीजिए, क्योंकि कीपैड वाला फ़ोन वगैरह चार्ज करेंगे तो काफ़ी अच्छे एक दो बार चार्ज वगैरह हो जाएगा। एडजस्ट काफ़ी अच्छा इंटरफेस वगैरह मिलता, आउटपुट वगैरह काफ़ी अच्छे लेवल में मिल जाएगा, जिसमें आपको जैसे बताऊँ अगर आप सिर्फ लाइट वगैरह जलाते हैं तो 5 से 5 घंटे के आसपास, 5.5 घंटे के आसपास जला पाएंगे। फुल्ली लाइट जलाते हैं, उसको सबसे पहले कंट्रोल करने की बात करो तो सिंगल कंट्रोल कर सकते हैं, एक ही बटन मोड वगैरह नहीं मिलता, सिंगल मोड मिलता है। इसको रोशनी की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रोशनी है, काफ़ी ब्राइट रोशनी वगैरह प्रोवाइड करा जाएगा, जो काफ़ी सही सी बात है। तो काफ़ी दोस्तों मेरे हिसाब से जो काफ़ी आउटपुट वगैरह इसमें आपको 5 वाट का आउटपुट वगैरह मिल जाएगा, तो 5-6 वाट का आउटपुट वगैरह मिल जाएगा, तो 5-6 वाट से चार्ज वगैरह कर पाएंगे। तो एडजस्ट कॉम्बिनेशन बताऊँ प्राइसिंग के हिसाब से, प्राइसिंग भी 500 रुपये के आसपास, 500 के अंदर अंदर मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से सोलर भी है, पावर बैंक भी है, लैंप भी है। तो आप गांव वगैरह में रहते हैं, देहात वगैरह में कहीं रहते हैं, तो आपको इमरजेंसी ऐसे लाइट वगैरह की दिक्कत रहती है, तो ऐसे चीज़ों को क्योंकि पढ़ना वगैरह है, आपको पढ़ने के लिए चाहिए होता है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। 500-550 रुपये में इससे अच्छा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो का मतलब अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है तो काफ़ी फुल सपोर्ट है, परचेज वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी सही प्रोडक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज वगैरह किया है। तो चले फिर दोस्तों आजकल इतना ही था, इसको परचेज करना चाहेंगे तो लिंक तो दे दूंगा, काफ़ी सही है, काफ़ी आँख बंद करके परचेज कीजिए, कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो रही है। और भी मैंने दोस्तों बहुत सारे सोलर लैम्प वगैरह, सोलर पावर बैंक की अनबॉक्सिंग की है, उन सबका लिंक दे दूंगा, उन सबको देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो काफ़ी अपने प्राइस में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस वगैरह लेके आता है। तो इसको परचेज करना चाहेंगे तो इसका तो लिंक मिल ही जाएगा। चले फिर दोस्तों आजकल इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर दीजिए, ताकि ऐसे कुछ कमाल की अनबॉक्सिंग वीडियो आती रहती हो उसे अपने फोन पे सबसे पहले फटाफट देख पाएं। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था, थैंक यू, धन्यवाद।